नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ईस्ट फेसिंग वास्तु प्लान से। ठीक है, वास्तु से हम प्लान बनाएंगे। ईस्ट फेसिंग प्लान है ये, और इसका जो एरिया है वो 20 बाई 50 है। इसका स्क्वायर फिट एरिया है 1000 स्क्वायर फिट। 2 BHK हाउस प्लान विथ कार पार्किंग एंड शॉप। इसमें हम शॉप भी बना रहे हैं और कार पार्किंग भी कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ हम इसमें कर रहे हैं। देखिए, आप जान लेते हैं किस तरह से ये इसके प्लानिंग करते हैं। देखिए, ये हमारा जो है 20 बाई 50 का प्लॉट, ये हमारा बिल्कुल चौकोर प्लॉट है, और ये प्लॉट जो है 30 फुट की रोड पर स्थित है। ठीक है, इसके जो आगे रोड है वो 30 फुट की चौड़ी रोड है। ठीक है, इस तरह से हम इसका प्लान बनाने जा रहे हैं। ठीक है, आइए चलिए इसकी प्लानिंग किस तरह से उसको भी एक बार जान लेते हैं। देखिए, ये हमने प्लानिंग जो की है वो इस तरह से है। ये है हमारा पोर्च एरिया। ठीक है, ये हमारी शॉप। ठीक है, और इसके बाद ये हमने एंट्री के लिए हमने इसमें गेट दिया है जिसकी चौड़ाई 3.5 फिट है और ऊंचाई 7 फुट रखी है इसमें। यहाँ हम लोग एक बड़ा गेट लगाएंगे जो हमारा मेन डोर होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से एंट्री अपने घर की तरफ करते हैं। देखिए, हम घर की तरफ एंट्री करके यहाँ आते हैं तो ये हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है, ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। ठीक है, हाँ, ये ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है। ठीक है, ये हमारा है किचन। किचन के बिल्कुल ठीक सामने हमने जो है डाइनिंग एरिया दिया है, और किचन भी हमने जो इसमें यूज़ की है वो ओपन किचन है। ठीक है, उसके बाद जो प्लानिंग है, आप अंदर हमने जो है लॉबी दी हुई है। ठीक है, लॉबी में आप देख पा रहे हैं, इसमें हमने एक तरफ हमने टॉयलेट दी हुई है, एक तरफ हमने बाथरूम दिया है। ये हमारी लेटरिन है, मतलब WC कह सकते हैं इसे, मतलब टॉयलेट पार्ट है। ये हमारा बाथरूम है, और दोनों के बीच में किचन और टॉयलेट के बीच में जो है हमने एक वॉश एरिया भी दिया है। जैसे हमें कभी कपड़े धोना है, बर्तन माँजना है, कुछ ऐसा कुछ करना है तो हम यहाँ कर सकते हैं। बाकी हमारे पास ये ऐसे हम चौक भी बोल सकते हैं, ये बहुत बड़ा चौक भी है। ये जो हम देख पा रहे हैं ये हमारी डॉटेड लाइन है, एक्चुअली ये जो है हमारा आर्च है। इसमें हम डोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बिल्कुल सीधा हम जो है हम अपने चौक में जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं बेडरूम नंबर 1 में। ये है बेडरूम नंबर 1। ठीक है, और ये है बेडरूम नंबर 2। बेडरूम नंबर 2 का हमने मास्टर बेडरूम बनाया है जिसमें टॉयलेट अटैच है। ठीक है, और बेडरूम नंबर जो 1 है हमारा, वो हमने जो है साधारण बेडरूम रखा है जिसमें अपन अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को इसमें रोके रख सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने जो है 2 मतलब उसमें वो दी हुई हैं, एक तो टॉयलेट अटैच दी हुई है जो मास्टर बेडरूम के साथ अटैच है, एक जो है हमारा लेट और बाथ अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद हमने एक पीछे ओपन एरिया दिया है जो पूरे इन दोनों टॉयलेट को, सॉरी, दोनों बेडरूम को वेंटिलेट करेगा। ठीक है, और उसका साइज़ किस तरह से या उसका फर्नीचर किस तरह से यूज होगा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहले हम फर्नीचर की बात करते हैं, उसके बाद हम साइज़ की चर्चा इसमें करेंगे। ठीक है, विशेष ध्यान ये दीजिएगा आप कि हमने जो है वास्तु के अकॉर्डिंग इसको प्लान किया हुआ है, और इसमें जो प्लान ये यूज़ किया है वो ईस्ट फेसिंग है। ठीक है, ईस्ट फेसिंग है, पूरी तरह से वास्तु से फॉलो किया गया है। ठीक है, आइए इस तरह किस तरह से और देख लेते हैं इसको एक बार। देखिए, इसमें फर्नीचर कैसे यूज हुआ है उसको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, जैसा कि हमने बताया था, ये हमारा पोर्च एरिया है, इसमें हमने स्टेयर यूज़ की हुई है ऊपर जाने के लिए। तो स्टेयर के जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो स्टेयर जो है हमारी ऊपर तक चढ़ जाती है, तो इसके नीचे हमें कार रखने की पर्याप्त जगह यहाँ पे मिलती है। ठीक है, और अंदर जाने के लिए हमने यहाँ डोर का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं कि ये हमने एक शॉप का यूज़ किया है, शॉप यहाँ हमने दे रखी है। ठीक है, ये हमने काउंटर शो किया है इसमें शॉप में, और ये हमने एक चेयर इसमें शो की हुई है। ठीक है, उसके बाद ये हमने कार इसमें इस पोर्च में दिखाई गई है। उसके बाद हम आते हैं ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में। ये हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है। ठीक है, ये हमारा जो है ड्राइंग और ये डाइनिंग, मतलब डाइनिंग का जो पार्ट है, ड्राइंग कम डाइनिंग का जो पार्ट है वो काफ़ी बड़ा स्पेस है जिसमें हम आराम से हम जो है एक सोफ़ा रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल का यूज़ कर सकते हैं। हमने इसमें डाइनिंग टेबल का यूज़ नहीं किया है, हमने डायरेक्ट इसे ओपन किचन बनाया है। ओपन किचन बनाने का एक फ़ायदा हमें मिलता है, ओपन किचन से फ़ायदा ये मिलता है कि हमें डाइनिंग टेबल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और डाइनिंग टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ने से हमारा घर जो है बहुत बड़ा और चौड़ा दिखता है। ठीक है, यहाँ हमने जो है एक प्लेटफॉर्म का यूज़ किया है जो कि हमारा ब्रेकफास्ट टेबल या डिनर टेबल भी हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने 3 स्टूल का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, डिनर टेबल पे 3 स्टूल हमने यहाँ रखे हैं जो हम बनता हुआ खाना, ताज़ा खाना हम भी खा सकते हैं। ठीक है, एल शेप में हमने इसमें प्लेटफॉर्म का यूज़ किया है जो हमारी किचन है, इसमें एल शेप में हमने प्लेटफॉर्म का यूज़ किया हुआ है। ये हमारी पूरी तरह से ओपन किचन है। ठीक है, यहाँ हम एक वेंटिलेशन हमने प्रोवाइड नहीं किया, पर हम जो है एक विंडो बना सकते हैं जिससे हम कौन आ रहा है कौन जा रहा है इस पर भी नज़र रख सकते हैं। खाना बनाते समय हम कौन किस तरह से बात करना चाहता है तो उसके हिसाब से हम इसमें नज़र रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप चाहें तो इसमें जो है जो शॉप है, शॉप की जो कनेक्टिविटी है आप ड्राइंग रूम से भी रख सकते हैं।
यहाँ पे हमने डोर दिया नहीं है, पर आप चाहें तो इसमें डोर रख सकते हैं, जिससे हम जो है अंदर के अंदर जो है हम शॉप को भी मेंटेन कर सकते हैं। हम चाहें तो अपन भी फैमिली में रहते हुए हम शॉप को इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप इस शॉप को अगर रेंट पर देना चाहें तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप जो है बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं इसे। बल कोई भी व्यक्ति आएगा अपनी शॉप को खोलेगा और अपनी बंद करके चला जाएगा, उससे वो हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। परंतु अगर आप चाहते हैं कि हम दुकान को हम ही खोलें और हम ही बंद करें, हम ही इस तरह से यूज करें, तो आप चाहे तो इसे कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए अब जो है अंदर से डोर दे सकते हैं। ठीक है, अंदर की और प्लानिंग कैसी वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए ये हमारा है लॉबी, जो हम चौक एरिया जिसको बोल रहे हैं, ये हमारा चौक एरिया है। चौक एरिया में से हमने यहाँ लेटरिन दी हुई है। ठीक है, ये हमारा वॉश एरिया है, ये हमारा बाथरूम है। ठीक है, ये हमारा पूरी लॉबी है। लॉबी भी काफ़ी बड़ी है। अगर हम लॉबी को खोल दें इस तरह से तो हमारा जो है डाइनिंग और ड्राइंग एरिया काफ़ी लंबा और बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब इसमें पीछे बेडरूम की कैसी तरह से प्लानिंग की हुई है उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए ये हमने बेडरूम की प्लानिंग इस तरह से दी हुई है। बेडरूम में हमने बेडरूम नंबर 1 की बात कर लेते हैं, तो बेडरूम में हमने डबल बेड का यूज़ किया हुआ है, जो कि हमारा जो है बिल्कुल ठीक सामने हमने टीवी का पॉइंट दिया हुआ है। उसके लेफ्ट राइट हैंड साइड में हमने एक फर्नीचर का उपयोग किया हुआ है। जब जिस डोर से हम अंदर आते हैं उसकी चौड़ाई जो है हमने 3.5 रखी है और ऊंचाई उसकी 7 फुट रखी है। ठीक है, ये हमारा वेंटिलेट एरिया है जिसमें हम विंडो दे सकेंगे, विंडो देंगे और इसके अलावा हम दरवाज़ा भी दे सकते हैं इसमें जाने के लिए, जिससे अंदर सफाई वगैरह करना है, कोई कूलर में कुछ एसी में अगर आपको सफाई करना है तो आप यहाँ दरवाज़ा भी दे सकते हैं, पर हमने अभी दरवाज़ा नहीं प्रोवाइड किया है। ठीक है, फिर आता है हम मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम में जब आते हैं तो इसका साइज की चर्चा हम नेक्स्ट वाले पॉइंट में करेंगे। यहाँ हमने एक डबल बेड का पलंग का यूज़ किया है, उसके बिल्कुल ठीक सामने टीवी का पॉइंट दिया है और उसके लेफ्ट हैंड में जो है हमने फर्नीचर का उपयोग किया है। बेडरूम देखने में एक दूसरे से बिल्कुल एकदम सेम करते हैं, परंतु साइज में इसमें दोनों में अंतर है। और इसमें इसके साथ में जो है मास्टर बेडरूम होने के साथ साथ इसमें एक टॉयलेट भी हमने अटैच की हुई है। उसका साइज किस तरह से उसकी चर्चा हम अगले सेशन में करते हैं। हमारी ओवरऑल प्लानिंग है, अब इसमें साइज किस तरह से दिए हुए उसकी भी एक बार चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए हम शॉप की साइज की बात कर लेते हैं। शॉप का जो साइज रखा है हमने 10.5 फुट चौड़ी है और 8 फुट इसकी गहराई रखी है। 10.5 फुट चौड़ी है और 8 फुट इसकी गहराई दी हुई है। जो पोर्च का जो साइज है वो 8 चौड़ा है और 15.5 फुट लंबा है। 8 फुट चौड़ाई है इसकी और 15.5 फुट लंबाई है। ठीक है, अब आते हैं डाइनिंग एरिया और ड्राइंग एरिया में। तो डाइनिंग और ड्राइंग एरिया में हम आते हैं तो देखते हैं कि जो ड्राइंग एरिया है हमारा वो 10.5 फुट चौड़ा है। 10.5 फुट मतलब इस दीवार से लेकर के इस दीवार तक की जो चौड़ाई है वो 10.5 फुट है और गहराई इसकी इस पॉइंट से लेकर के मतलब ये टीवी पॉइंट की दीवार से लेकर के इस वाली दीवार तक जो है इसकी गहराई 16 फुट रखी हुई है हमने। ठीक है, जो किचन है हमारी, किचन का भी साइज हमने स्टैंडर्ड दिया हुआ है जो कि 6.5x8.5 का है। 6.5 फुट इसकी चौड़ाई है और 8.5 फुट इसकी लंबाई है। और आप चाहें तो इस किचन को कवर्ड किचन भी बना सकते हैं। ठीक है, पर हमने इसको कवर्ड किचन नहीं बनाया, इसे हम ओपन किचन बनाना चाहते हैं, क्योंकि ओपन किचन में जो है हम देखते हैं तो हमारा एरिया बहुत बड़ा बड़ा दिखता है। ठीक है, अगर हम यहीं अगर इसको कवर्ड किचन बना देते और फिर डाइनिंग टेबल बाहर रख देते तो फिर ये एरिया थोड़ा हॉचपॉच लगता और हम नहीं चाहते कि यह एरिया आपको हॉचपॉच लगे। ठीक है, अच्छा इसमें स्टेयर जो हमने यूज़ की हुई है, स्टेयर में हमने इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 फुट रखी हुई है और इसमें जो पैर रखने का जो पॉइंट होता है इसको हम ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, ट्रेड जो होता है वो 10 इंची है और जिस एक स्टेप से दूसरे स्टेप के बीच की जो दूरी है उसको हम राइजर बोलते हैं। तो राइजर की जो ऊंचाई है वो 7 इंची है और ट्रेड की जो चौड़ाई है वो हमने 10 इंची रखी है। तो 7-10 की ऊंचाई के हिसाब से जो है 7-10 की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से जो है हमने 3.5 फुट का जीना दिया हुआ है और ये आराम से ऊपर आपको ले जाएगा और बिल्कुल स्मूथ जीना बनेगा। इसमें किसी प्रकार का हार्डनेस नहीं महसूस होगी, आपका थकेगा नहीं जीना, आपके पैरों में दर्द नहीं होगा, ये आराम से जीना आराम से चढ़ जाता है। कभी भी आप अपने घर में भी अगर जीना बनाएं तो कोशिश करें कि 7 इंची ही ऊंचाई दें, इससे ज़्यादा ऊंचाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर्याप्त स्पेस लेके चलें तो आपको जीना कभी थकेगा नहीं, परेशान नहीं करेगा आपको जीना और आपके हाथ पैरों में भी दर्द नहीं होगा। ठीक है, आगे किस तरह से साइज दिए इसकी भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये हमारी लॉबी है, लॉबी का जो साइज़ है 9.5x8 की रखी है हमने। जो वॉश एरिया है हमने 4.5x3.25 का इसमें रखा है और जो WC है, WC मतलब होता है लैट्रिन, जो लेटरिन है वो 4x4.5 की हमने रखी है। जो बाथरूम है हमने 5x5 का रखा है। ठीक है, उसके बाद जो बेडरूम नंबर 1 है हमारा वो 9.5x12.5 का अपने बेडरूम दिया हुआ है। 9.5 फुट चौड़ाई में है और 12.5 फुट इसकी गहराई है। बेडरूम नंबर 2 जो उसको हम बोल रहे हैं मास्टर बेडरूम, वो भी बिल्कुल सेम साइज़ में है, उसकी चौड़ाई 9.5x12.5 है। 12.5 यहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फर्नीचर के पीछे वाली दीवार से लेकर के बेडरूम की इस दीवार तक जो है 12.5 इसकी लंबाई है और इस दीवार से लेकर इस दीवार तक की जो चौड़ाई है वो 9.5 फुट है। ठीक है, इसमें जो अटैच टॉयलेट जो हमने दिया है उसमें 2.5 फुट का दरवाज़ा है और ये 5x6.5 का है। 5 फुट चौड़ाई है और 6.5 फुट इसकी गहराई है। पीछे जो हमने ओपन स्पेस दिया हुआ है उसकी चौड़ाई 9.5 है और उसकी चौड़ाई जो है
3.5 फुट हमने दी हुई है। ठीक है, इस तरह से आप देख पा रहे हैं। ये ओवरऑल प्लानिंग एक बार मैं दिखा देता हूँ, उसको भी मैं साइज से समझा देता हूँ। ये हमारी ओवरऑल प्लानिंग है, ये हमारी एक शॉप है जो 10:30x8 की है। ठीक है, ये हमारा पोर्च एरिया है जो 8x15 का दिया है हमने। ये हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है जो कि हमारा 10:30x16 फुट का है। ये हमारा किचन है, 6.5x8 का किचन है हमारा। ये हमारी लॉबी है, 9.5x8 की लॉबी है। ये वॉश एरिया हमारा 4x3 का जो है वॉश एरिया है। ये हमारी लेटरिन है जो कि 4x4.5 की रखी है। और ये हमारा बाथरूम है जो कि 5x5 का रखा है। और ये हमारा जो है इस बेडरूम से अटैच टॉयलेट है जो कि 5x6.5 का इसकी लंबाई हमने रखी है। बेडरूम नंबर 1 और बेडरूम नंबर 2, इसको मास्टर बेडरूम बोल रहे हैं, ये दोनों बेडरूम का साइज 9x12 है। 9 इसकी चौड़ाई है और 12.5 उसकी गहराई है। 9 इसकी चौड़ाई है और 12.5 फुट इसकी गहराई है। जो पीछे हमने ओपन दे रखा है वो 9.5 फुट चौड़ा है और 3.5 फुट गहरा है। इसमें कूलर, पंखा, एसी हम जो चाहें वो रख सकते हैं। इस तरह से ओवरऑल प्लानिंग है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।